हेलो एंड वेलकम बैक आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विथ गुरुचेला पर देखिए लास्ट वीडियो में हमने एंड कॉलोनियलिज़्मिज़म को डिस्कस किया था उसके क्या मीनिंग है उसके क्या मायने हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं इन सभी को हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलोनीलिज़म के फीचर्स को टाइप्स को इम्पैक्ट्स को एंड इम्पोर्टेंस फॉर कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स जैसे टॉपिक्स को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ देखिए अगर हम टाइप्स एंड फॉर्म्स के बारे में बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा पैटर्नस हैं बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर कैटेगराइज हम कर सकते हैं अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप पर देखें जो कि एक कॉलोनाइज़र और एक कॉलोनाइज पीपल के बीच में होता है उसके बेसिस पर जो टाइप्स निकल कर आते हैं वो इस तरह हैं मर्केंटाइल और ट्रेडिंग कॉलोनीलिज़म जिसमें मर्चेंट्स होते हैं बड़े बड़े रिच पीपल्स होते हैं उसको कहते हैं मर्केंटाइल और ट्रेडिंग कॉलोनियलिज्म ठीक है देन जो है वो है इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट और एक्सट्रैक्टिव कॉलोनियलिज्म देन फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट कैपिटलिज्म प्लांटर कॉलोनियलिज्म जो साउथ अफ्रीका के अंदर भी हुआ देन लास्ट जो है वो है ट्रांसपोर्ट कॉलोनियलिज्म तो ये कुछ मेन टाइप्स हैं मेन मेन फॉर्म्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप देन अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ कंट्रोल की बात करें तो इसके अंदर टू टाइप्स आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट के अंदर हम बात करें तो जैसे कि इंडिया इंडोनेशिया अल्जीरिया केन्या एंड मैनी मोर कंट्रीज़ जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है डायरेक्ट कॉलोनीलिजम के अंदर अगर हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट के बारे में बात करें तो इसके अंदर जैसे चाइना हो गया थाईलैंड हो गया जापान हो गया ये कुछ मेन कंट्रीज़ हैं जो कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट के अंदर मेंशन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें एंड एट लास्ट जो इसमें मेन बेसिस ऑफ सेटलमेंट एंड मोटिव्स है वो है सेटलमेंट किस तरह का सेटलमेंट किस तरह हुई है किसी कंट्री के अंदर किसी टेरिटरी के अंदर एंड उनका क्या मोटिव है ये जो है इस बेस, इस बेसिस पर जो टाइप्स बनते हैं जो फॉर्म्स बनते हैं वो बनते हैं सेटलर कॉलोनियलिज़म एक्सप्लेटेटिव कॉलोनियलिज्म सरोगेट कॉलोनियलिज्म एंड लास्ट इंटरनल कॉलोनीलिज्म तो ये चार मेन टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट एंड मोटिव्स आइए इनको हम ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं आइए सबसे पहले बात करते हैं सेटलर कॉलोनियलिज्म की इसको हम थिक कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं बिकॉज इसमें क्या हुआ था लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स यानी कि ह्यूज नंबर ऑफ पीपल्स जो थे फ्रॉम कॉलोनाइजिंग पावर सेटल डाउन परमानेंटली इंटू कॉलोनाइज लैंड इसके अंदर क्या हुआ था बहुत भारी मात्रा के अंदर जो पीपल्स थे जो लोग थे वो कॉलोनाइज पावर के थ्रू सेटल सेटल हो रहे थे परमानेंटली इंटू कॉलोनाइज लैंड के अंदर जो कॉलोनाइज स्टेट थे कॉलोनाइज जो टेरीटरी की जो टेरीटरी थी उसके अंदर परमानेंटली सेटल्ड हो रहे थे ठीक है सेटलर कॉलोनीज़म के अंदर इसमें क्या हो रहा था जो यूरोपियंस थे वो सेटल्ड हो रहे थे दैमसेव्स इन द कंट्री परमानेंटली दे टुक कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी वो टेरिटरी को कंट्रोल कर रहे थे इन टाइम दे बिकेम इंडिपेंडेंस इट इन्वॉल्व लार्ज स्केल इमाइग्रेशन इसके अंदर क्या हुआ एक लार्ज स्केल पर इमाइग्रेशन हुआ लोगों का आना जाना हुआ ठीक है ऑफ इन मोटिवेटेड बाई रिलीजियस पोलिटिकल और इकोनॉमिक्स रीजन्स अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया कैनाडा हो गया द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड एज वेल एज अल्जीरिया ये कुछ मेन कंट्रीज़ हैं सेटलर कॉलोनीज़म के एग्ज़ाम्पल में देन अगर हम बात करें एक्सप्लोइटेटिव कॉलोनियलिज्म की तो इसमें क्या था इसमें जो मेन मोटिव था वो था इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ठीक है दे नॉट सेटिंग और और थिन कॉलोनीज़म इसको हम थिन कॉलोनीजम भी कहते हैं इसके अंदर क्या हुआ जो स्टेट्स थे वो ग्रांट कर रहे थे प्राइवेट कंपनीज़ को लार्ज 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 टेरिटरीज टू द एडमिनिस्टर हु वर ओनली इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोइटिंग एंड प्लेंड्रिंग द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द टेरिटरीज़ वो जो स्टेट थे वो ग्रांट कर रहे थे प्राइवेट कंपनीज़ को ऐसी कंपनीज़ को जो कि एक्सप्लोइ कर सके उनकी रिसोर्स को उनकी उनकी उनको इकोनॉमिकली एक्सप्लोइ कर सके ऐसे कंट्रीज़ को ग्रांट कर रहे थे इसमें क्या था इट इन्वॉल्व्स फ्यूअर कॉलोनिस्ट एंड फोकसज ऑन एक्सेस टू रिसोर्स फॉर द एक्सपोर्ट टिपिकली टू द मेट्रोपोलिस अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि मोस्ट यूरोपन कॉलोनीज हो गई जैसे एशिया एंड अफ्रीका की जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है इंडिया के अंदर भी जो सेटलमेंट हुई थी वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे जो इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लेट कर रहे थे उनकी नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म कर रहे थे देन थर्ड जो है वो है सरोगेट कॉलोनियलिज्म। सरोगेट मतलब होता है कोई दूसरा आपके लिए काम करता है जैसे ठीक है तो बाय स्कोट ये स्कोट के द्वारा दिया गया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो कॉलोनाइजिंग पावर इंक्रेजिज एंड प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर सेटिंग ऑफ अ नॉन नेटिव ग्रुप ऑवर लैंडेड बाय एन एनडिजी इंडिजीनियस पीपल इसमें क्या थे जो इसमें क्या इसमें क्या था जो सेटलमेंट प्रोजेक्ट था वो सपोर्ट कर रही थी कॉलोनियल पावर जिसे सपोर्ट कर, कर रही थी कॉलोनियल पावर जो थी वो सपोर्ट कर रही थी इन विच मोस्ट ऑफ द सेटलर्स डू नॉट कम सेम फ्रॉम सेम एथनिक ग्रुप एज द रूलिंग पावर इसमें क्या था जो रूलिंग पावर थी जो कॉलोनाइजिंग पावर थी वो दूसरे लोगों से काम करवा रही थी एंड उनको सेटल कर रही थी दूसरी जगह उनके लिए वो प्रोड्यूस कर रहे थे कोई दूसरी टेरिटरी दूसरा स्टेट इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें जैसे ब्रिटिश अलाउंग जियनिस्ट सेटलमेंट इन पैलेस्टाइन जैसे ब्रिटिश ने अलाउ किया था जो जियनिस्ट थे उनके सेटलमेंट पैलेस्टीन में होनी चाहिए ठीक है जैसे कि साउथ अफ्रीका में हुआ था वाइट सेटलमेंट तो ये कुछ इसके एग्ज़ाम्पल हैं सरोगेट कॉलोनियलिज्म के देन अगर हम बात करें लास्ट जो टाइप है लास्ट जो फॉर्म है वो है इंटरनल कॉलोनियलिज्म कॉलोनियलिज्म ठीक है इसके अंदर क्या हुआ इसके अंदर ऑपरेशन एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ वन ग्रुप और रीजन बाय अनदर ग्रुप और रीजन इन अ डीकोलोनाइज्ड कंट्री इसके अंदर क्या हुआ जो कॉलोनाइज्ड स्टेट था कॉलोनाइज्ड टेरिटरी थी वो आजाद होने के बाद भी वहां पर कॉलोनाइजिंग पावर रही ठीक है उस कॉलोनी उस, उस कॉलोनाइजिंग पावर के थ्रू जो उस कंट्री के उस टेरिटरी के आसपास की जो पिछड़े इलाके थे उनको अपने कंट्री में लाया गया एंड वहाँ पर रूल करा गया इस तरीके से वहाँ पर डिकॉलोनाइज भी स्थापित करा गया इट इज़ नोशन ऑफ अनइवन स्ट्रक्चरल पावर बिटवीन एरियाज ऑफ अ स्टेट द सोर्स ऑफ द एक्सप्लोटेशन कम्स फ्राम विद द स्टेट अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि इथेनिक डोमिनेशन ऑफ सृंगलीज इन श्रीलंका रेसियल ओपरेजन ऑफ उप ब्लैक्स इन यू एस ए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आई होप आपको इसके टाइप्स के इसके फॉर्म्स इसके, फॉर्म, इसके पैटर्न्स अच्छे से समझ आ गए होंगे इसके जो पी है इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं देन आइए अब हम बात करते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनियलिज़म के क्या क्या मेन फीचर्स हैं क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉलिटिकल एंड लीगल डोमिनेशन रहा ओवर एन एलियन सोसाइटी रिलेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल डिपेंडेंस एक्सप्लेटेशन बिटवीन इम्पीरियल पावर्स एंड द कॉलोनी रेशियल एंड कल्चरल इनिक्वेलिटी ये मेन फीचर्स हैं मेन कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं कॉलोनियलिज़्म की ठीक है एंड ग्रेटली वेरिंग फॉर्म्स जैसे कि हमने देखा इसके बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं ठीक है एंड पैटर्न्स हैं कोलोनाइजेशन कोलोना कोलोनाइजेशन के ठीक है ये एक ग्लोबल फिनोमिना है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में है ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब गॉट इन्वॉल्व इसमें हर एक पार्ट जो ग्लोब का वो इन्वॉल्व था ठीक है पॉलिटिकल सब्जुगेशन था इसमें इसमें क्या था इसमें पॉलिटिकली सब्जुगेट करा जा रहा था टेरिटरी को अपने कब्जे में लिया जा रहा था एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हो रहा था कॉलोनीज़ का इस ये जो है ये क्लोजली लिंक्ड है कैपिटलिज्म एंड एम्परियलिज़म से ये कल्चरल हैगमनी है रेसिज्म है एंड यूरोसेंट्रिज्म है यूरोसेंट्रिज्म मतलब यूरोप को सेंटर में रखा जाता है तो ये इसके कुछ मेन फीचर्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइए बात करते हैं इसके इम्पैक्ट्स की कि किस तरह, कि, किस तरह के किस तरीके से इसने इसको इसका इंपैक्ट पड़ा ठीक है वर्ल्ड पर ग्लोब पर तो ऑन द कॉलोनाइज नेशंस और पीपल अगर हम कॉलोनाइज नेशंस और पीपल्स के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा कल्चरल शॉक लगा लोगों को टर्न हुई ठीक है यूरोसेंट्रिक यूरोसेंट्रिक रहा इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हुआ इसके अंदर इंटीग्रेशन हुआ कॉलोनीज का इंटू वर्ल्ड कैपिटल सिस्टम एज़ पेरीफेरी पेरीफेरी के तौर पर इसमें क्या था कॉलोनीज का इंटीग्रेट होना स्टार्ट हुआ ठीक है इसमें इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हुआ जो जो नेचुरल रिसोर्सेज थी उसको बिल्कुल एक्सप्लेट कर दिया गया तहस तहस कर दिया गया ठीक है यूरोसेंट्रिज्म था इथोनोसेंट्रिज्म था उसमें कल्चरल हैगमनी थी इन दोनों की ठीक है इवोल्यूशन हुआ इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम का इंटरनेशनल सोसाइटी का ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का और इसमें जो एक्सपेक्ट थे हमारे एवरीडे लाइफ के जैसे इंक्लूडिंग लिटरेचर आर्ट्स रिलीजन आर्किटेक्चर म्यूजिक फूड हेयर स्टाइल क्लॉथिंग ठीक है ये जो थे इवन स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी भी जो थी वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड हुई यूरोपियन कल्चर से ठीक है अगर हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखें कॉलोनाइजम कॉलोनियलिज़म का इंडिया के अंदर क्या कैसे इम्पैक्ट पड़ा तो पॉलिटिकली यूनिटी इन इंडिया ठीक है इंट्रोडक्शन हुआ जैसे आइडियाज़ जैसे नेशनलिज्म डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जैसे आइडियाज़ का इंट्रोडक्शन हुआ इंट्रोड्यूस्ड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्लेवरी सिस्टम स्टार्ट हुआ लिटिल वेलफेयर हुआ लोकल इन्ेबिटेंट्स के अंदर ठीक है अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें इंडिया के अंदर तो डेवलपमेंट हुआ इन दीज एरिया जैसे इंडस्ट्रीज रेलवे इनके अंदर क्या हुआ डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ स्टेब्लिस्ड लोकल इकोनॉमी हुई बट एक्सप्लोइटेड वेल्थ रॉ मेटेरियल ऑफ दीज कॉलोनीज तो ये कुछ भारी डीपली इम्पैक्ट थे कॉलोनियलिज़म के एट लास्ट आइए हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस फॉर कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स कि कॉलोनियलिज्म जो है वो इम्पोर्टेंस कैसे है कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए सो so, जैसे कि हमने देखा जो जो कॉलोनियलिज्म है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं ठीक है कॉलोनाइजिंग जो पावर है जो इवेंट ट्रजक्ट्रीज हैं वो डिफरेंट कॉलोनी नेशन के अंदर थी जो कि वैल्यूएबल ट्रेजर थी कम्पेरेटिव स्टडी के लिए ठीक है इसमें क्या हुआ कंपेयर करा गया कॉलोनाइजेशन को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब ग्लोब के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कंपेयर करा गया फाइंड करा गया पैटर्न को फॉर्म्स को एंड कैजुअल रिलेशनशिप्स को हैव इन रिच पॉलिटिक्स जो निहित थी कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे केम टू नो मोर अबाउट पॉलिटिकल फिनमिना उन्होंने पॉलिटिकल फिनोमिना के बारे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया बहुत ज़्यादा खोज करी इन कॉलोनियल नेशंस के अंदर डिस्पाइट ओरिएंटलिज्म एंड हीरोसेंट्रिज्म के होने के कारण भी स्टडी ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रैगल स्टडी हुई एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स की प्रोवाइड डीपर इंसाइट ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर्स ऑफ पीपल इन बॉथ द कॉलोनीज एंड कॉलोनाइजर्स ठीक है प्रोसेस जो थी डी की एंड सब्सिकुनट क्रिएशंस की उसमें न्यू नेशन स्टेट जो थे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट प्रोवाइडेड एन ओदर रिच सोर्सेज फॉर द कंपेरेटिव पॉलिटिक्स अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि कम्पेरेटिव इंटरनेशनल रेशनस के अंदर देखें तो मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंटल एंड डिपेंडेंसी थ्योरीज जो हैं वो इसके अंदर एग्जाम्पल हैं वहीं कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें इसमें जैसे रिग्स इकोलॉजिकल अप्रोच है सार्टॉन्स कंपनीज कंपेरिजन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये कुछ मेन बेसिक एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के सो आई होप आपको ये टॉपिक जो थे वो समझ आए होंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है थोड़ी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को अगर आपको कोई क्वायरी है तो आप हमें ई मेल पर सेंड कर सकते हैं एंड एट लास्ट आपको एक बार रिपीट कर दें हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है So thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.